दीवानी राइट जिनको पूरा देश का मिला, उसके बाद डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का जगह हुआ है, और इसके बाद जो है पूरे देश का जो है खराब हिंदुस्तानियों के लिए मतलब बताए थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन खराब हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको रजिस्टर कराना होगा, तो वो मसला पर जो है सो उन्होंने किया कि एजिटेशन किया, और भी कुछ कुछ चीज़ें आई जिससे लोगों को पता, और वहाँ पर उन्होंने अपनी अपने स्ट्रेंथ को पहचाना या दुनिया ने उनको पहचाना साउथ अफ्रीका में, व्हेन ही सक्सेसफुली गेन्ड कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट फॉर ऑल द इंडियंस। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि जब उनको खुद को में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, एक स्टेशन पे उनको, आपको मालूम है कि उनका सामान कंपार्टमेंट से फेंक दिया गया। ये जो कंपार्टमेंट है ये गोरों के लिए है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। उनको लगा कि हम चूंकि वकील हैं तो आई एम एस, तो सामान जो है सो उन्होंने उनको लगा कि तब तक वो बहुत अपने पोजीशन, उनको ये सब ख्याल नहीं आया। लोग जो है सो अपनी स्थिति से खुश होते हैं, आई हैव स्टडीड वेल, हम पढ़ लिख चुके, हमको एक अच्छी नौकरी लग गई, तो हमको क्या दुनिया की चिंता करने की ज़रूरत है। लेकिन सडनली उनका पांव जमीन पे तब पड़ा जब उनको लगा कि अरे हमारी सारी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है, और यहाँ पर हम चूँकि मेरा रंग अलग है इसलिए हमको निकाल दिया। तो उससे बात आगे बढ़ी और वो जो है सो तब तक रिकग्नाइज हो गए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन हुए और सब में उनको सफलता मिलती गई। तब तक इधर भारत में भी मामला जो है सो बहुत आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे लोगों में चेतना आने लगी थी अलग अलग कारणों से। 1914 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर का समय था, 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जानकारी है? उससे पहले भी अलग तरह का की कहानियां थी, बंगाल का विभाजन था जिससे लोग परेशान थे, लोग मतलब लगा कि हमारे क्षेत्र को जो है सब काट दिया, उस तरह की फीलिंग हुई लोग। और जनरल डे टू डे लाइफ में जो है सो परेशानी हो ही रही थी, एक रोल उससे पहले रॉलेट एक्ट चल रहा था, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और ये सब के पीछे जो है सो गांधी जी ने 1915 में लौट के आए थे वापस इंडिया, तो उस समय कुछ सिविल डिसोबीडियंस वगैरह लॉन्च किया था, या रोलेट एक्ट वगैरह के लिए रेजिस्टेंस लॉन्च किया था, तो उसी के जवाब में जो है सो गोलीबारी हो गई एक पार्क में, जितने लोग थे 1000 लोगों से ऊपर मारे गए, कुएं में कूद गए। तो फिर जो है 1919 के बाद उन्होंने कांग्रेस तब तक ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी, कांग्रेस इनके लीडरशिप में आगे बढ़ने लगी थी, सब लोगों ने माना कि ये ही है सम एक्सपीरियंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो अब इनके नेतृत्व में अपने आंदोलन को लड़ा जाए। तो 1921 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, और लेकिन वो जो है सो एब्रप्टली ख़त्म कर दिया गया, गांधी जी ने ख़त्म कर दिया चौरी चौरा इंसिडेंट पर। क्या था चौरी चौरा? चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था शायद मिर्ज़ापुर या भदोही के आसपास, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम लोग पीसफुली जो है सो प्रोटेस्ट मार्च वगैरह करेंगे, और कहीं उसके बदतमीजी से या कुछ पुलिस वालों के बदतमीजी से लोग भड़क गए और उन्होंने एक थाने में आग लगा दिया।
थाने में 5-6 पुलिस वाले जल के मर गए, तो उनको लगा कि हमारा मूवमेंट जो है सो गलत दिशा में बढ़ गया, तो उन्होंने जो है सो उस चीज़ को फिर से उस समय रोक दिया। और फिर उसके बाद लगभग 10 साल से ऊपर जेल में, 10 साल के करीब जेल में रहे, और अलग अलग कांड में अलग अलग घटनाओं के समय क्या करता था अंग्रेज सरकार, उनको कोई भी मूवमेंट लॉन्च करते थे तो उसमें अरेस्ट कर लेती थी। इन्होंने जो है सो कहा कि हम कभी भी वायलेंट रूप से प्रतिकार नहीं करेंगे, तो बहुत बार जो है सो बहुत लोगों को कष्ट हुआ, लाठियां चली उन पर, लोग जो है सो बर्दाश्त किए। धीरे धीरे जो है सो चीज़ें बदलने लगी कि किस कब हम लोग हुआ था बक्सर वगैरह का युद्ध कब हुआ था, किस साल हुआ होगा, सत्रह के करीब का मसला था, 1760 वगैरह में जो है सो ओवरऑल अंग्रेज का अधिकार आया था इस देश के ऊपर, और 160 साल लगभग उसको बीत चुके थे 1920 तक, ठीक है। लगभग 20-25 साल और लगे, और हम लोग जो है सो 20-25 साल के मूवमेंट में 10 साल लगभग जेल रह गए लोग, अलग अलग लोग जो है, इनका तरीका अलग था, कुछ लोग दूसरे तरीके से भी लड़े, कोई जो है सो बोला कि नहीं ठीक है हमको जो है सो लाला लाजपत राय के मरने से जो है सो लाठी चार्ज में एक जगह मृत्यु हो गई, तो भगत सिंह को लगा कि नहीं इस तरीके से हम नहीं बढ़ पाएंगे, तो उन्होंने जो है सो असेंबली में जो है उससे पहले गलती से एक आदमी मारना किसी और को था, जिसको जिसने लाठी चार्ज ऑर्डर किया था, गलती से कोई और आदमी मर गया। फिर जो है सो असेंबली में उन्होंने जाके बम विस्फोट किया, असेंबली मतलब दिल्ली में जो अभी जो संसद भवन है उसी जगह पहले अंग्रेजों के लिए एक असेंबली हमारे लिए बना के रखा था, तो वहाँ पर जो है सो खाली जगह पे उन्होंने बम फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी ऐसा नहीं था कि किसी को मार दें बम फेंक, विथ इंटेंशन ये कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इस तरह का की बात थी। फिर जो है सो भगत सिंह को फांसी हो गई उसके उस घटना के कारण, और भी लोगों ने बहुत तरह के कुर्बानियां दी। 1942 में एक जो है सो फाइनल हम लोग लॉन्च किए मूवमेंट अंग्रेजों भारत को क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, उसके उपरांत जो है सो अंग्रेजों की पकड़ ढीली पड़ने लगी इस देश पर, और फाइनली इट वॉज अ फॉरगोन कंक्लूजन कि अब अंग्रेज 2-3 साल 4 साल में चले गए। तो लेकिन उस समय 42 में जो है उन्होंने दमन कहने की भरपूर कोशिश की, और 47 तक जो है हमारा देश आज़ाद हो गया। 1948 30 जनवरी को किसी को लगा कि जो देश आज़ाद हुआ वो उसमें जो है सो मतलब नुकसान हो गया उसका, या उसकी उसके तौर तरीके उसको पसंद नहीं आए जिस तरह से आज़ाद हुआ, तो उसने रेजिस्टेंस में जो है वो पीस प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे गांधी जी, उनको गोली मार दी। तो लेकिन बहुत लोगों ने उसके बाद भी इंस्पिरेशन पाया इस आदमी से, इसमें बड़े नाम है मार्टिन लूथर किंग। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों की समस्या थी कि अंग्रेज थे हमारे ऊपर और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, या हमारे मर्जी के विरुद्ध शासन हो रहा था, उसी तरह अमेरिका में 1955-60 के करीब कालों के लिए बहुत ख़राब स्थिति थी, जो जिनका अश्वेत लोगों के लिए अलग रेस्टोरेंट, गाड़ियों में अलग बैठने की व्यवस्था, अलग स्कूल, एक क्लासरूम में एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, ये सब तरह की व्यवस्था थी। तो ही ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम महात्मा गांधी, और फिर नेल्सन मंडेला के लिए भी जो है सो जो साउथ अफ्रीका में
फिर वही शासक था बूढ़ों का, तो उन्होंने भी अपने लाइफ में इसी तरह से मूवमेंट चलाया और उनको भी सफलता मिली। फाइनली 1992 या 1994 में साउथ अफ्रीका आपका जो है सो काले लोग आज़ाद हुए और सब ने मिल के फिर उसके बाद शासन चलाना चुना। तो बहुत बार अन्याय होता है, तो ये पर दुखे उपकार
माननीय लालजीत देसाई भाई सेवा दल के अन्य कार्यकर्ता का हमारे शिक्षक हैं छात्र, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो संस्था से जो आज के दिन हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो व्यक्ति आए हुए हैं, इस संस्था से बहुत गहरा जुड़ाव था महात्मा गांधी का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे। तो हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो इनकी उपस्थिति है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस संस्था के, और बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे सेवा दल के साथ कार्य के दौरान। हेलो, तो हम लोग जो है सो इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अनावरण के कार्यक्रम को जो है सो सर अपने कर कमलों से संपन्न करें। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आपने एक ऐसे दिन पर जिस दिन हम लोग महात्मा गांधी को लगातार देश भर में याद करते हैं, वो ऐसा दिन कि जिस दिन देश में नफरत की आंधी ने गांधी को गोलियों से भुना गया और महात्मा गांधी हे राम करके अपना अंतिम श्वास लिया, वही ये आज का दिन है। तो मैं आपकी तरह एक विद्यार्थी के रूप में गांधीयन संस्था में पढ़ा। हम लोग जब बचपन में स्कूल में पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक हर जगह पे गांधीवादी कार्यकर्ताओं और सेवा दल के कार्यकर्ताओं की स्कूल में, तो लगातार इन्हीं के मूल्यों और संस्कारों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम सबको यहाँ पर देखकर खुशी होती है कि हमारे देश के नई जनरेशन है वो गांधी मूल्यों के बारे में सोचना शुरू कर रही है। आजकल तो देश में एक ऐसा माहौल है कि बचाने वाला गांधी की जगह पर मारने वाले गॉडसे की भी पूजा शुरू कर दी गई है। तो ये जो अंतिम छोर की जो सोच है कि महात्मा गांधी जिस प्रदेश से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, इसलिए ज़्यादा खुशी है। और गांधी जी की यहाँ पे स्टैचू को अनावरण करने का अवसर मिला तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सौराष्ट्र से हूँ, जहाँ गांधी जी गुजरात में, एक सौराष्ट्र रीजन है, वहाँ से हूँ। गुजरात से निकले हुए गांधी और सरदार ने इस देश में बिना
हिंसा किए, बिना हाथ में हथियार लिए आजादी का बिगुल फूंका था। आप लोगों ने, मैं अभी गाना गाने का मेरा वो है नहीं इसलिए नहीं गाऊंगा, पर आप लोगों ने कभी कहीं प्रार्थना में सुना भी होगा कि साबरमती के संत तूने, है ना। तो ये जो है कि एक ऐसा संत जिसने इस देश की जनता को जगाया, हर कोने से, बच्चों को, युवा को, बुजुर्गों को, हर किसी को, इस देश के निर्माण के लिए, सिर्फ अंग्रेजों से आजादी के लिए नहीं, अंग्रेजों से आजादी पाना एक बात, पर साथ साथ में बेहाल स्थिति में हमारे देश के किसान, मजदूर, पशुपालक, आम जो जनता थी, हमारा शिक्षा का कोई वहां पर सुविधा नहीं था, तो हर व्यक्ति को तैयार किया कि जाओ गांव में स्कूलें शुरू करें, बीमारी बहुत थी तो बोला कि जाओ गांव में आरोग्य की जगह जो है वहां पर स्वास्थ्य केंद्र शुरू करें। तो हर किसी को इस राष्ट्र के निर्माण के लिए महात्मा गांधी जी ने प्रेरणा दी, और वो लगातार आप लोग भी पढ़िएगा कभी, सत्यना प्रयोग, गुजराती में हम बोलते हैं, आई डोंट नो इसका हिंदी अनुवाद में क्या कहते हैं, सत्य के प्रयोग ही शायद कहते होंगे। तो सत्य के जो प्रयोग है महात्मा गांधी ने जो खुद किए हैं, और उसके बारे में जब भी आप थोड़े और पढ़ने का मन करे उस समय पे इसको पढ़िएगा। गांधी जी ने एक बात जो कहा है और जिसको हम लोग लगातार आजकल के नेता और आजकल के जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, गांधी जी का जो था वो कि उनका जो जीवन का बोलते कि संदेश क्या देना चाहते हो, तो कि मेरा जीवन, माइक पे चलता, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वायर वाला कोई बात नहीं तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा थोड़ा जोर से, मैं समझ सकता हूँ, बच्चों के साथ ज्यादा लंबा भाषण भी नहीं करूंगा, नहीं तो नेता लोग बंद कर दीजिए। आजकल मैंने ये भी कहा कि जब स्टेज पे कोई नेता खड़ा होता है क्या बोलता है, उसके बाद में क्या करता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता है। पर गांधी जी का जो था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मैं जो कर रहा हूं और जो कह रहा हूं उसमें फर्क नहीं होना, वही मेरा जीवन का ये संदेश है। तो आप मेरी बातों की जगह पे मेरे जीवन को, मैं जो कर रहा हूं उसको आप लोग फॉलो करें, ये महात्मा गांधी जी का संदेश अद्भुत। आप उनके कभी एकादशी के जो व्रत हैं, आजकल तो स्कूल के अलावा जब फ्री होते होंगे तो मोबाइल में सर्च करते होंगे, मोबाइल का उपयोग करते हैं आप लोग, तो जब उपयोग करो तो गांधी जी के एकादशी व्रत जो थे वो क्या थे और वो उसमें क्या कहना चाहते थे। गांधी जी के जो अलग अलग समय पे, मैं, हम लोग आजकल कितने बड़े उम्र में होने के बाद उनका एक स्वप्न दृष्टा के रूप में या विजनरी के रूप में काम करते हैं, मात्र 23-24 साल का एक युवा डरबन के वहां पर जब उतरता है और उसके बाद कोर्ट में जब पेशी होने की बात होती है तो कोर्ट में एक वकील के तौर पे जब जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप अपनी पगड़ी उतार दो, तो उन्होंने पगड़ी उतारने से मना कर दिया था और कोर्ट से खुद बाहर निकल गए थे कि मेरे स्वाभिमान का प्रतीक है, आपके नियमों के हिसाब से नहीं उतारूंगा। उसी मई महीने में महात्मा गांधी को जब वो ट्रेन से गोरों ने उतारा है, तब महात्मा गांधी डटे रहते हैं और अपनी ही बात को कि नहीं, हर मनुष्य का समान अधिकार है। आप भी जब बड़े बने, जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, समाज का कोई कार्य करेंगे, तो सबका समान अधिकार के बारे में, चाहे बच्चियां हो, लड़के हो, लड़की हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी जाति और धर्म के हो, हम जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, रंग, वर्ग, इन सभी भेदभावों को भुलाकर सबको इंसान के रूप में देखने का काम शुरू करें। और इसीलिए महात्मा गांधी ने गांधी आश्रम, जिसको साबरमती के हरिजन आश्रम के रूप में भी लोग मानते हैं, साबरमती आश्रम भी कहते हैं, नसीब से आज साबरमती आश्रम के जो मुखिया है, जिम्मेदारी संभालते हैं, वो मेरे साले हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो मेरा गांधी पूरा जो एक वहां का एक अलग अलग संस्थान है उसके साथ जुड़ा हुआ हूं और लगातार इस वातावरण में रहते हैं। तो आप सबको भी यही कहता हूं, ज्यादा भाषण ना देते हुए, कि गांधी को पढ़िएगा, मेरी बातों को मत मान लीजिएगा, गांधी को पढ़ो और गांधी की जो सच्चाई है उसको पढ़ो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गांधी को मत ढूंढो, जो गांधी किताब में है
उसको पढ़ो, आप सही गांधी को पढ़ोगे तो आजकल गांधी। और मैं आपको पूछना भी चाहता हूं, जोड़ने वाला सही है कि तोड़ने वाला सही है? मारने वाला सही या बचाने वाला सही? झूठ बोले तो सही कि सत्य बोले तो सही? जो प्रेम और करुणा दिखाए वो सही या बल प्रयोग करके लोगों को दबा दे वो सही? तो आप भी समझते, तो गांधी तो यही है, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा की भाषा और वो कर्तव्य जो कथनी और करनी में फर्क नहीं हो। आप सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। गांधी को पढ़िएगा, अपने आप को अपनी जिंदगी को जीने के लिए। और हम लगातार हीरो ढूंढते हैं ना, कोई फिल्म में भी हीरो ढूंढते हैं, जो अच्छा होता है उसको हीरो कहते हैं और जो बुरा करता है उसको विलन कहते हैं। तो आप अच्छाई और बुराई दोनों के बीच में क्या फर्क है ना, उसको ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको अच्छाई दिखेगी तो वहां गांधी दिखाई देंगे। और मैं यही अच्छाई वाले गांधी को आप सब पढ़ो, यही आप सबसे अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महात्मा गांधी अमर रहे, वो एक नारा मैं बुलवाना चाहूंगा। आप भी पूरा ताकत से, आप लोग स्टूडेंट्स विद्यार्थी अवस्था में और एनर्जी भी ज्यादा होती है। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे दो बार। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गांधी को याद करते हैं तो साथ साथ में देश भर के शहीदों को भी याद करते हैं, वो पूरी विरासत को याद करते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा वीर शहीदों तुम्हें नमन। तो आप दो बोले, दो बार बोलेंगे तुम्हें नमन, तुम्हें नमन। वीर शहीदों तुम्हें नमन, तुम्हें नमन, वीर शहीदों तुम्हें नमन, तुम्हें नमन, तुम्हें नमन। साथ आए हुए हमारे अतिथिगण, हमारे इस विद्यालय के सचिव महोदय श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी,
सभी यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, हमारे ट्रस्टी श्री राजेश जी, जितने भी उपस्थित अतिथि लोग आए हुए हैं, उन सबों को एवं हमारे प्यारे छात्राओं को आज के दिन यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग आज यहाँ आए हैं, दूर दूर से भी आए हुए हैं। आज इस दिन को 1948 साल में जिन जिन लोगों ने देखा था, उनमें से बहुत लोगों से मेरी बातें हुई, जिसमें मेरे पिताजी भी एक थे। उन्होंने कहा कि सारा देश उस दिन सन्नाटा, सारे देश में सन्नाटा छा गया था। लगता था कि पेड़ पौधे, चिड़िया, पशु पक्षी सब जैसे निर्वाक हो गए थे। वो दिन कभी भी इतिहास से अलग, एक अजीब सा दिन था। आज फिर उसी दिन को हम लोग आज यहाँ गांधी जी को याद करने के लिए बैठे हैं। उनके बारे में देसाई जी ने जितनी भी बातें कही, ये सभी गांधी जी से जो हम लोग को मूल्य सीखने को मिलता है, उनका जो मूल्य बोध था उसी का सारांश उन्होंने निचोड़ कर रख दिया। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, जिसमें से आप इस बातों को जरूर याद रखेंगे। कुछ खास बातें जो उन्होंने कही, यही गांधी जी को नफरत से बहुत नफरत थी। गांधी जी बोला करते थे, मनुष्य को घृणा मत करो, बुरी आदतों को घृणा करो। सत्य के महान पुजारी थे, उन्होंने अपनी जीवन कथा आत्म कथा जो उसको भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट ट्रूथ के नाम से लिखा है। तो ट्रूथ यानी सत्य के पुजारी थे। हम सबों को उनसे सत्य सीखना है, कैसे गरीब दुखियों का समाधान करना चाहिए वो सीखा है। उन्होंने कभी नीच को नीच कहा नहीं, कहा उन्होंने कहा हरिजन, हरिजन नाम से उन्होंने उनको संबोधित किया। ये सब बातें गांधी जी के बारे में हम सब याद करेंगे। गांधी जी के बारे में कुछ पुस्तकें हैं, मैं आज आपके सामने दशाई जी आपको बताना चाहूँगा। मैं गांधी जी के साथ के संबंध में कुछ और भी किताबें जल्द से जल्द मंगाऊंगा, जिसको हमारे बच्चे अवश्य पढ़ेंगे। इन बातों के साथ मैं आप सबों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे स्कूल के लिए एक ये इतिहास का दिन है, जब महात्मा गांधी की प्रतिमा को हम लोगों ने स्थापित की, और उनकी हम लोग हमेशा जब भी जाएंगे उनकी याद आती रहेगी, और श्रद्धा का नजर से हम देखते हैं और देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल के बारे में बता रहे थे, 30 जनवरी 1948, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जिसका सार ये था कि आने वाले जनरेशन्स ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक ऐसा आदमी इस धरती पर था। तो उनके बारे में पढ़िए, जानिए।